एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने बुद्ध को रास्ते में घेर लिया, बेताशा गाली देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वो लोग थक गए तब बुद्ध ने कहा, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वो लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा बुद्ध से, हमने तो आपको बहुत गालियां दी लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया। बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी, 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहाँ के लोगों ने भेंट करने के लिए मिठाइयाँ लाई थी लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुक कर कहा, जो लोग मिठाइयाँ ले गए होंगे उन्होंने उस मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होंगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया, क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वो बुद्ध के शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी को भी भला बुरा कहते हैं या गालियां देते हैं लेकिन वो इंसान हमें इसके बदले कुछ न कहता हो, इसका मतलब यही है, हमने जो भी कहा है वो सब हमें ही लगता है। इसलिए हमेशा दूसरों से अच्छे से बात करें, किसी को भला बुरा न कहे और ना ही गालियां दे।